ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष कुंडली में होना कई प्रकार की समस्याओं का आगमन माना गया है। इस दोष और उनके द्वारा होने वाली समस्याओं के विषय में विस्तार से बताया गया है। शास्त्र में ग्रहों के शुभ एवं अशुभ प्रभाव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दोष के विषय में भी बताया गया है। इन्हीं में से एक है काल सर्प दोष, जिसे बहुत ही विनाशकारी माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग को एक विनाशकारी योग माना जाता है। हमारे जो प्राचीन ज्योतिषी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में काल सर्प योग ज्यादा उल्लेखनीय नहीं माना गया है, लेकिन आधुनिक ज्योतिषी ग्रंथों में काल सर्प योग का बहुत महत्व बताया गया है। यह काल सर्प योग जो है, यह कार्यों में बाधा डालता है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, यदि उसका संबंध सप्तम भाव से बनता है, तो उसके विवाह में परेशानी होती है। यह काल सर्प योग उसके विवाह को होने नहीं देता है। यदि व्यापार व्यवसाय से संबंधित भावों में यदि काल सर्प योग बनता है, तो वो अपने करियर में व्यापार व्यवसाय नौकरी इत्यादि में उसको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, बार बार रुकावट आती है। यदि संतान भाव से इसका संबंध होता है, तो संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या संतान होने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा संकट आपत्ति इत्यादि आती है। इसी प्रकार जिन भी भावों के मध्य, दो भावों के मध्य राहु और केतु विराजमान हो जाते हैं, और इन भावों के एक तरफ या इनके मध्य में अन्य सारे ग्रह आ जाते हैं, तो राहु और केतु के द्वारा यह ग्रह ग्रसित हो जाते हैं या इनकी छाया में आ जाते हैं, जिससे बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो अपने शोभ फल को नहीं दे पाते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में, उसकी जन्म कुंडली में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, कार्यों में बाधा आती है, और व्यक्ति पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। चूंकि प्राचीन ग्रंथों में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन आधुनिक ग्रंथों में आधुनिक ज्योतिषियों ने इसको बहुत विनाशकारी बताया है और बाधा डालने वाला योग बताया है। लेकिन भगवान शंकर की पूजन आराधना करने से काल सर्प योग जो है, वह उसका पूरा दुष्प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। हमको भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए, नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग वहां विराजमान है, उस शिवलिंग को तांबे का नाग जो है दान करना चाहिए, पहना करके आना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु जनित जो भी उपद्रव हैं वह शांत होते हैं, काल सर्प योग द्वारा जनित उपद्रव जो बाधाएं वह शांत होती हैं। हमें हमारे कुल देवी देवता का पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। ऐसा करने से भी काल सर्प योग जैसे जो बुरे योग रहते हैं वह योग जो है शांत होते हैं, उनका दुष्प्रभाव समाप्त होता है। हमें हमारे माता पिता सहित अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा करने से भी काल सर्प योग, पितृ दोष, सर्प योग जैसे जो दोष रहते हैं उनका दुष्प्रभाव जो है वह समाप्त होता है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार काल सर्प दोष से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्तियों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं, जिसके कारण आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकल 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है।